पाठलुका का प्लांट लगाने के लिए और हर सीजन में इतनी अच्छी ग्रो पाने के लिए और इतने अच्छे अच्छे फूल पाने के लिए आपको जो है ये सिंपल मेथड लगाना चाहिए। पाठलुका तो लगभग सभी लोग लगाते हैं, अगर आप नहीं लगाए हैं तो इसे ज़रूर लगा लें। ये कोई भी ऐसा सीज़न नहीं जिसमें फ्लावरिंग इसकी ना हो। तो आइए इसको जानते हैं कि कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसे लगाने का और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। जब चाहें इसे लगा सकते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये हर मौसम में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो आइए इसे ग्रो करके दिखाते हैं। और बहुत ही सिंपल मेथड है, बिना खाद के भी ये हो जाता है और लगाना भी बहुत आसान है। तो आइए बताते हैं कि इतने सारे फूल पाने के लिए हम कैसे इसे ग्रो करते हैं। ग्रो करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप गार्डनर हैं तो आप भी जान लें, क्योंकि आप भी लगाते ही होंगे पाठलुका का प्लांट। कभी कभी बहुत सारे फूल नहीं आ पाते हैं, तो इस तरह से अगर लगा लेते हैं तो आपका भी पाठलुका फूलों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं इसके टेरिस एंड गार्डन टिप्स। आज मैं आप पाठलुका के बारे में बताऊंगा जो कितनी आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे हम ऑफिस टाइम भी करते हैं, हमारे ऑफिस टाइम जाते समय ही खिलता है। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे लगाया था। देखिए इतने छोटे जो है ग्रो बैग में भी ये कितनी आसानी से हो गया है। देखिए इस तरह से हमने इसे बोतल में लगाया है, इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है कि ये देखिए बिल्कुल ज़मीन पकड़ लिया है इस तरह से। इसी को आज हम काट के दूसरे में लगा के आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह के फ्लावर पाने के लिए देखिए सिंपल सा बॉटल में ही हो गया है और कितना अच्छी तरह से फूल दिया है। तो आइए इसे हम जड़ से काट लेते हैं। ये देखिए इतने सारे जो ज़मीन पे हैं, इसे हम इस तरह से पकड़ के काट लेंगे इस तरह से, और इसको लगा के दिखाते हैं हम आपको कि बहुत ही तेज़ी से ये कैसे ग्रो करता है। देखिए इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, ये हमारे गार्डन से निकली हुई मिट्टी, इसमें हम कोई खाद नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। और जिधर से ये जड़ की तरफ से काटे हैं हम इधर से ही इस तरह से निकालेंगे और इतने छोटे जो है 4 से 6 अंगुल का टुकड़ा लेंगे। उसके बाद इसको में जो है ये जो जड़ है इसी तरह से इस एलोवेरा में डाल लेंगे इसे, और बस इसको डिप कर देंगे। सारों को ऐसे ही लगाना है, अगर उल्टा लगा देते हैं तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो जब भी ये जड़ का समय है उसको सीधा ही लगाएं और नीचे की 2-3 पत्तियां तोड़ दें इस तरह से, और उसके बाद इसे सीधे डिप कर दें मिट्टी में। इसी तरह से सभी हम लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं नीचे की। देखिए जैसे ही लगाना हमें नीचे की इतनी जो जितनी मिट्टी में जाना है उतना हम इसे तोड़ देंगे इस तरह से। उसके बाद एलोवेरा लगा करके और 4 इंची नाप के इसमें हम डिप कर देंगे। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से इसमें डिप कर दिया है और एलोवेरा जो बचा है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसी में डाल देंगे, तो ये फंगिसाइड और फर्टिलाइजर दोनों का काम करेगा। और इसमें दे देंगे ढेर सारा पानी, बहुत ही जल्दी ये फर्स्ट बहुत ही स्टैंडर्ड तरह से ग्रो करेगा और मिलेंगे ढेर सारे फूल आपको इस तरह से। इस तरह से ये फूलों से भर जाएगा और फूल के साइज भी बड़े बड़े आएंगे, देखिए इतने बड़े बड़े साइज हैं। तो ऐसे ये लगा लें आप। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि ये फ्लावर जो है हमेशा चलते रहते हैं। वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।